गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल आई संध्या यादव यो हिंदी टीचर एंड टूडे वी विल स्टडी चैप्टर थ्री ऑफ क्लास सिक्स सर फरोसी की तमन्ना एंड आई होप यू मस्ट हैव स्टडी द लास्ट टू लेसन वेरी वेल सो वी स्टार्ट द चैप्टर सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है तो बच्चों जब भी हम सब ये पंक्तियाँ सुनते हैं हम सभी के मुख पर भारत के महान क्रांतिकारी एवं अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद का नाम अनायास आ जाता है यह गज़ल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिवीरों का सिंह ना हुआ करती थी और न जाने कितने ही वीर इसे गाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए उन्हीं में से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम अग्रणी है जिनका जन्म 1901 में पटना में हुआ था और जिन्हें काकोरी कांड में हिस्सा लेने की वजह से मात्र 30 वर्ष की आयु में ही 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई इनके साथ ही भारत के महान क्रांतिकारियों का भी नाम सामने आता है जिन्होंने मां भारती पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जैसे भगत सिंह खुदी राम बोस इत्यादि प्रस्तुत पाठ को एकांकी एक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जब राम प्रसाद फांसी के एक दिन पहले अपनी मां से मिले उसी दिन का मार्मिक वर्णन इस पाठ में किया गया है तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं पाठ तीन सर फरोसी की तमन्ना पाठ का परिचय यह एकांकी स्वतंत्रता संग्राम के उस अमर शहीद से संबंधित है जो भारत को अपनी मा मां मानते हुए उसके चरणों में अपना बलिदान कर देता है रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान क्रांतिकारी एवं अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे ब्रिटिश शासन से संघर्ष करते हुए उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी विस्मिल के क्रांतिकारी संघर्ष से परेशान होकर ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी की सजा दी प्रस्तुत एक आंकी में विस्मिल की माँ विस्मिल की फांसी से एक दिन पहले जेल में माँ बेटे की मिलन के मार्मिक दृश्य का वर्णित किया गया है अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं तो बच्चों जैसा कि हमने अभी बताया कि इस पाठ को एक एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है एक नाटक के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जेल की कोठारी का दृश्य सामने जो दृश्य है वो जेल का है जेल का कोठारी है कोठरी है रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल सिंकचों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती में गा रहे हैं और राम प्रसाद बिस्मिल हैं जो जेल की कोठारी के उधर घूम रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं वे क्या गा रहे हैं सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सर फरोसी मतलब सिर काटने वाला तमन्ना मतलब कामना और बाजुए कातिल मतलब मारने वालों की ताकत इसका अर्थ यह है कि वे कहते हैं मेरी इच्छा है कि सर काटने के सर कटाने की मेरी इच्छा है बस मुझे ये देखना है कि आ सामने वाले मारने वाले के में कितना ताकत है उसी समय जेल की कोठारी में जेलर प्रवेश करता है जब ये गीत वो गुनगुनाते हैं इधर उधर घूमते हुए उसी समय जेल की कोठरी में जेलर प्रवेश करता है जेलर भारतीय है जो जेलर प्रवेश करता है उस कोठरी में वो भारतीय है रामप्रसाद विस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है अपनापन का भाव है क्यों क्योंकि वो जेलर भी भारतीय रहता है इसीलिए रामप्रसाद विस्मिल को देखकर उसे अपनापन का भाव छलकता है जेलर प्रवेश करते हुए जेलर प्रवेश करते हुए और क्या कहता है पंडित रामप्रसाद राम प्रसाद विस्मिल पंडित राम प्रसाद विस्मिल ऐसे प्रवेश करता है और वो बोलता है बिस्मिल क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ़ देख कर मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ़ देखते हैं और कहते हैं जेलर साहब फरमाइए क्या बात है वो कहते हैं कि जेलर साहब बताइए क्या बात है फिर जेलर कहता है तुमसे मिलने कोई आया है बिस्मिल मुझसे मिलने कौन आया है जेलर जब ये कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है तो बसमिल ये तो कहते हैं कि मुझसे मिलने कौन आया है वे ये सोचते हैं कि मैं तो जेल में हूँ मैं तो जेल की कोठरी में बंद हूँ अब मुझसे मिलने कौन आया है तो जेलर कहता है तुम्हारी माँ है जेलर का ये उत्तर रहता है कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है विस्मिल प्रसन्नता से वह बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि जेल में उनकी माँ उनसे मिलने आती हैं मेरी माँ मतलब वो कहते हैं विस्मिल कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है वो ये सोचते हैं कुछ सोचर सोच कर यकायक उदास हो जाते हैं यह बात वो सोचते हैं और उदास हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर चुप हो जाते हैं इतना कर कर के वो सोच पहले तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है फिर वह कुछ सोच विचार करते हैं और उदास हो जाते हैं नहीं नहीं जेलर साहब मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा फिर वह जेलर से कहते हैं कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जे नहीं नहीं जेलर साहब मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा वह अपनी माँ से न मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं जेलर से जेलर आश्चर्य से जेलर को बहुत आश्चर्य होता है वो कहता है कि अरे अब तो जेल में कह दो तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे उससे बहुत आश्चर्य होता है माँ से नहीं मिलोगे या तुम क्या कह रहे हो उसको बहुत आश्चर्य होता है और वो कहता है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे या क्या तुम तो कह रहे हो बसमिल हाँ जेलर साहब मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए फिर वो कहते हैं जेलर से कि मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए जेलर लेकिन क्यों जेलर भी यही प्रश्न करता है कि क्यों तुम क्यों अपनी माँ से नहीं मिलोगे कल तुम्हें फांसी होने वाली है और आज तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे क्योंकि उनके फांसी के सिर्फ एक दिन बचे रहते हैं इसलिए जेलर को भी आश्चर्य होता है और वह विस्मिल से कहता है कि तुमको सिर्फ एक दिन बाकी है और अपनी माँ से विदा लेने के लिए भी नहीं मिलोगे तुम क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ तुमने विदा करें विस्मिल मजबूर हूँ जेलर साहब केवल एक दिन कि मेरी इस ज़िंदगी को देखकर कर माँ को कितना दुख होगा वो इसलिए कहते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ़ मेरी एक दिन की ज़िंदगी है यह सब देख कर के मुझे फांसी होने वाली है यह सब देख कर के मेरी माँ को कितना दुख होगा यह सोच कर के वो ना मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं जेलर से मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दें वह सोचते हैं कि मेरी माँ जब मुझसे मिलेगी और मिलेगी तो उसकी आंखें भीगी होंगी वो रोएंगी और कहीं ऐसा ना हो कि उनके रोने से मेरी ये जो कदम है माँ भारती को आज़ाद करने के लिए जो मैं अपने जान का न्यौछार कर रहा हूँ मैं जो अपने प्राणों की बलि दे रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे कदम डगमगा जाएं रुक जाएं मुझे अपनी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे क्योंकि वो जो इनको फांसी दी जा रही उसके लिए वो कभी भी अफसोस करना नहीं चाहते थे उसको इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए अगर मैं अपनी माँ से मिलूँगा तो उनकी आंखें जब भरी होंगी तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी मृत्यु पर अफसोस होने लगे इसलिए वो अपनी माँ से न मिलने के लिए जेलर से कहते हैं जेलर व्यंग से इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं फिर जेलर व्यंग करता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है अगर तुम अपनी माँ से मिलते हो तो अपने जो कदम है वो पीछे कर लोगे इसलिए तुम ना मिलने के लिए कह रहे हो बिस्मिल। नहीं नहीं जेलर साहब ऐसा न कहिए मैं चट्टान की तरह अटल हूँ वो कहते हैं कि जो मेरा यह अटल है विश्वास है वो चट्टान की तरह है जिस तरह से चट्टान जो है इधर उधर नहीं हिल सकता डुल सकता है उसी प्रकार से मैं भी अपने कदम पीछे नहीं कर सकता नहीं पीछे नहीं हिलने वाला हूँ मैं अपने अडिग हूँ अपने आप पर और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रंग में है लेकिन तब भी जेलर साहब माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा फिर वो कहते हैं कि नहीं मेरा विश्वास जो है वो अटल है अडिग है उसे कोई हिला डुला नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ इसलिए तुम मेरी तरफ़ से मेरी माँ से क्षमा मांग लेना यकायक राम प्रसाद विस्मिल की वृद्धा माँ प्रवेश करती हैं अभी जेलर में और राम प्रसाद विस्मिल में वार्तालाप बातचीत होती रहती है कि उनकी माँ प्रवेश ही कर जाती हैं उनकी माँ बूढ़ी हैं और वो प्रवेश करती हैं जेल में माँ माँ क्या कहती हैं प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है बिस्मिल माँ से नहीं मिलेगा मुझसे नहीं मिलेगा तू ज़रा फिर से एक बार मेरी ओर कहना तो सही फिर उनकी माँ कहती हैं कि क्या तुम कह रहे हो तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो एक बार फिर से ये बात दोहराओ कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते बसमिल आश्चर्य से माँ तुम माँ हाँ मैं ही तो हूँ क्या तू अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता फिर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि उनकी माँ अचानक आ जाती हैं और उनकी माँ बोलती हैं कि हाँ मैं ही हूँ तुम्हारी माँ अब क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो एक तो तुम मुझसे मिलने के लिए मना कर रहे थे अब क्या मुझे तुम पहचान भी नहीं हो बसमिल ऐसा मत बोलो माँ वो बोलते हैं माँ को कि माँ तुम ऐसे मत बोलो कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ और मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ माँ तो और क्या बोलूँ अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया मुझसे मिलने को भी तेरा जी न चाह फिर मैं उनकी माँ कहती हूँ कहती हैं कि अब मैं क्या भूलूँ तुम तो अपने देश के लिए इतने दीवाने बने कि अब तुम मैंने तुम्हें जन्म दिया है अब तुम मुझसे ही मिलने के लिए मना कर रहे हो क्या तुमसे तुम्हें मिलने के लिए जी नहीं चाहता क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम हमसे मिलो विस्मिल माँ मुझे गलत मत समझो मेरा मतलब यह नहीं था मैंने फिर वो आगे कहते हैं कि विस, विस्मिल कहते हैं माँ मुझे गलत मत समझो मेरा मतलब यह नहीं था मतलब वो कहते हैं कि माँ मैं तुमसे इसलिए नहीं मना कर रहा था मिलने के लिए मेरा मतलब मेरा अर्थात कुछ और ही था माँ बा, बात काट कर स्नेह से जो भी बात करते हैं रामप्रसाद बिस्मिल उन बातों को काट करके फिर अब स्नेह से प्रेम से कहती हैं अब रहने दे अपनी सफाई को वो सफाई देते हैं उनको लगता है कि सफाई दे इसलिए कहती हैं कि अब रहने दो मैं सब जानती हूँ तू अपनी माँ को भले ही भूल जा पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देख मुझे शायद दुख होगा मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आँखों से पर नाले बहने लगेंगे वो अपने उनकी माँ कहती हैं कि तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं तुम्हें देखकर के रोऊंगी और मौत की गोद से तुझे देखकर मेरी आंखों के पर नाले बरने लगेंगे मतलब मेरे आंसू कभी भी थम नहीं होंगे क्या तुम अपनी माँ को बस इतना ही जानता है बिस्मिल हाँ माँ मेरा मतलब यही था वो सोचते हैं वो फिर कहते हैं अपनी माँ से हाँ मतलब मेरा मतलब यही था मेरा अर्थ यही था कि जब हम तुमसे मिलेंगे तो तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कदम डगमगा जाएं माँ पगले तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका फिर वो कहते हैं कि क्या तुम अपने माँ को नहीं समझ सका जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेली तेरी ही माँ तो नहीं वह तो मेरी भी माँ है फिर माँ की ये तो शब्द सुन के विस्मय लास्ट चकित ही हो गए होंगे वो कहते हैं वो कहती हैं कि क्या तुम मुझे इतना ही पहचान सका है कि जिस माँ के लिए तू अपने अपने आप को कुर्बान कर रहा है वह अकेली तेरी माँ नहीं है वह माँ भारती वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है वह मेरी भी माँ है बेटे तेरे सभी बुज़ुर्गों की भी माँ है वह सिर्फ़ मेरी तुम्हारी माँ नहीं है हम सबकी माँ हैं इस सारे देश की माँ हैं और सभी देशवासियों की भी माँ हैं उनका मतलब ये था कि अगर उस माँ के लिए तो कुर्बान हो रहा है तो भी मुझे आंसू नहीं आएंगे क्योंकि वो सबकी माँ है सभी देशवासियों की माँ है विस्मिल भावार में माँ मैं मैंने समझा था कि फिर वो कहते हैं कि मैंने समझा था कि उनका मतलब ये था कि मैंने समझा था कि तुम मुझे देखकर रोओगी रोगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन का एक ही दिन मात्र शेष हैं माँ अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगी लगूंगी यही ना वह कहती हैं कि बाक़ी जो स्त्रियां होंगी उनके तरह मैं भी एक साधारण स्त्रियां जिस प्रकार से उनके बेटी की मृत्यु हो जाती है तो वो रोने बिलखने लगती हैं तो यही सोच रहा था कि ना मैं भी रोने बिलखने लगूंगी यही ना लेकिन बेटे तूने यह न सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देख कर उसे कष्ट क्यों होगा क्योंकि उनकी माँ ने ही तो उन्हें त्याग और वीरता और देश प्रेम का पाठ ही तो पढ़ाया था तो उन्हें अफसोस क्यों होगा आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देख कर उन्हें कष्ट क्यों होगा उनकी माँ कहती हैं कि तुम माँ के लिए तुम हम सबके लिए ये कर रहे हो तो हमें कष्ट क्यों होगा आज का दिन तो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है वो कहती हैं कि आज का जो दिन है वो तो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है कि तू अपनी माँ के लिए भारत माँ के लिए तू फांसी के पंधे पर लटकने जा रहा है इससे खुशी का दिन और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने ही तो उन बिस्मिल की माँ ने ही उन्हें त्याग वीरता और देश का पाठ पढ़ाया था बिस्मिल मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ फिर वो अपने माँ से कहते हैं कि ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे तुम्हारे लिए इसके लिए माँ मैं अफसोस करता हूँ अपने विचार पर माँ माँ कहती हैं नहीं मेरे लाल नहीं मेरे बच्चे आज के दिन तू किसी बात का अफसोस ना कर कहती हैं मेरे मेरे लाल मेरे पुत्र तुम किसी भी बात पर अफसोस ना करो तो कुर्बानी की राह पर जा रहा है मेरे बच्चे अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है उनका जो दूसरा बेटा है वो इतना छोटा क्यों है उनको इस बात के लिए अफसोस होता है वो सोचती हैं कि अगर वो भी बड़ा होता तो वो भी देश के लिए कुर्बान होता बिसमिल माँ विश्वास रखो वो कहते हैं कि माँ तुम विश्वास रखो मेरी बात पर तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे और वह तब तक तब वह दिन दूर नहीं जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा और संपूर्ण भारत की सुंदर सलोनी धरती हमारी धरती होगी फिर वह कहते हैं कि माँ वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा अंग्रेज़ों की पकड़ से मुक्त हो जाएगा और मैं राम प्रसाद बिस्मिल जो हूँ वो अकेला नहीं हूँ ऐसे अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे और वो इस देश को आज़ाद करेंगे जिससे हमारी जो धरती है हमारा भारत है वह फिर से सुंदर और हरा भरा हो जाएगा माँ कितना शुभ दिन होगा वह दिन फिर माँ अपनी माँ से कहते हैं कि माँ वह दिन कितना शुभ होगा जब हमारा देश स्वतंत्र होगा अंग्रेजों की कैद से मुक्त होगा तो बिस्मिल हाँ माँ कुछ ठहर कर फिर वो कहते हैं कि हाँ माँ मतलब वो दिन कितना सचमुच माँ कितना शुभ होगा फिर कुछ ठहर कर कुछ रुक कर कहते हैं माँ एक इच्छा है अपनी माँ से एक इच्छा जाहिर कहते हैं और कहते हैं कि माँ मेरी एक इच्छा है माँ कहती हैं कि बोल बेटे क्या इच्छा है तुम्हारी क्या इच्छा है वो बताओ तेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूँगी उनकी माँ कहती हैं कि मेरे बेटे तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं हर वो कोशिश करूँगी कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो विस्मिल जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपने उस तस्वीर के जरिए देख सकूँ लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके उनकी सिर्फ अपनी जो इच्छा होती है एक वह इच्छा अपनी माँ से जाहिर करते हैं और उनका इच्छा यह रहता है अपनी माँ से कहते हैं कि जश्न मतलब उत्सव जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो और लोग जश्न मनाए लोग उत्सव मनाए अपने देश की आज़ादी के लिए तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना मतलब जो मेरी तस्वीर होगी वो उसको ऐसे जगह रखना जहाँ से सिर्फ वही देख सकें और उनकी तस्वीर को और कोई ना देख सके माँ ऐसा क्यों मेरे लाल फिर वो प्रश्न कहती हैं कि मेरे पुत्र ऐसे तुम क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हारी तस्वीर को ऐसे जगह रखूंगी जिसको सिर्फ तू देख सकेगा तुम्हें कोई और नहीं देख सकेगा ऐसा क्यों मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूँगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके वो कहती हैं कि मैं तो तुम्हारी तस्वीर को ऐसी जगह रखूँगी जहाँ से पूरी दुनिया देख सके बसमिल नहीं माँ ऐसा न करना मेरी तस्वीर को देखकर लोगों की को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। क्योंकि अब वो नहीं रहेंगे इसलिए वो ये कहते हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं कि देशवासियों की आँखों में मेरे लिए अश्रु निकले आंसू निकले इसलिए वो अपनी माँ से ये जाहिर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता माँ कि उस खुशी के अवसर पर किसी के भी देशवासी के आँख में आंसू आए किसी की भी आंखें गीली हों मेरे देश की आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं या मुझसे सहन नहीं हो सकेगा माँ वो कहते हैं कि इसीलिए माँ मेरी एक यही इच्छा है कि मेरी तस्वीर को ऐसे जगह रखना जहाँ से सिर्फ़ मैं अपने देशवासियों को आज़ाद होते हुए देख सकूँ उनकी खुशी को मैं देख सकूँ और लोग मुझे ना देख पाएँ क्योंकि अगर लोग देखेंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मेरे जो सपने वो व्यर्थ हो जाएंगे मैं ये नहीं चाहता कि मेरे किसी भी देशवासी की आंखों में आंसू आए माँ भावा विश भावा में मेरे बेटे ऐसा ही होगा मेरे लाल फिर वो उनकी इच्छा को स्वीकार कहती हैं करती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पुत्र ऐसा ही मैं करूँगी मैं तुम्हारे तस्वीर को ऐसी जगह ही रखूंगी जहाँ से सिर्फ़ तू देख सकेगा देशवासी तुम्हें नहीं देख सकेंगे जेलर घड़ी देखते हुए क्षमा कीजिए समय काफ़ी हो चुका अब उनकी माँ बहुत देर से उनसे मिल रही थी इसलिए समय हो चुका था इसलिए जेलर घड़ी देखते हुए कहता है कि क्षमा कर दीजिए अब आप, आप लोग मिलने का समय समाप्त हो चुका है माँ चलती हूँ जेलर साहब वो जेलर से कहती हैं कि अब मैं चलती हूँ अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए बेसन के लड्डू निकालते हुए वह रामप्रसाद बिस्मिल के लिए बेसन के लड्डू लाई रहती हैं और वह अपनी साड़ी के पल्लू से वह लड्डू निकाल करके देती हैं ले बेटा ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बना कर लाई हूँ माँ के हाथ का यही मुझ तुझे अंतिम भोग है वो कहती हैं कि यह तुम्हारे आज आखिरी दिन है सिर्फ़ एक ही दिन शेष हैं इसीलिए ये माँ के अंतिम माँ के हाथ का अंतिम भोग तू ग्रहण कर बस्मिल बेसन के लड्डू माँ हाँ तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना बिस्मिल कहते हैं अरे वाह बेसन के लड्डू हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं माँ कहती हैं तुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ना बेसन के लड्डू बिमिल हिचकिचाते हुए लेकिन माँ जेलर साहब बिस्मिल जेलर की तरफ़ देखते हैं जेलर मुस्कुरा कर स्वीकृति देता है माँ मुस्कुरा कर चिंता न कर जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं वह जेलर की भी प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि जेलर साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं बस्मिल लाओ माँ अपने हाथ से खिला दो फिर वह अपनी माँ को कहते हैं कि माँ मुझे अपने हाथों से ये लड्डू खिला दो प्रसन्न चित्त माँ विस्मिल को लड्डू खिलाती हैं और माँ प्रसन्न चित्त होकर प्रसन्न होकर खुश होकर के विस्मिल को बेसन के लड्डू खिलाती हूँ खिलाती हैं विस्मिल बस माँ ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा वो कहते हैं थोड़े लड्डू खाते हैं और थोड़े लड्डू बच जाते हैं वो कहते हैं कि ये लड्डू अब मैं बाद में खा लूँगा वे लड्डू लेकर अपने पास रखते हैं और जो शेष लड्डू रखता रहता है वो अपने पास रख लेते हैं माँ विस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए अच्छा मेरे लाल मैं चलती हूँ उनके हाथ पर उनके सिर पर हाथ फेरती हैं आशीर्वाद देती हैं उन्हें और कहती हैं कहती हैं कि मेरे लाल मेरे पुत्र मैं चलती हूँ अब मैं जा रही हूँ विस्मिल माँ और मैं मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ पाल पोसकर बिस्मिल अच्छा माँ ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम मेरी माँ बनो फिर बिस्मिल कहते हैं कि माँ तुम अगले जन्म में भी मेरी माँ बनो यही मैं चाहता हूँ माँ और मैं तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ पाल पोसकर बड़ा करूँ और फिर गला रूँध जाता है वह गला अपना रूंझ जाता है उनका बोल नहीं पाती हैं और वो कहती हैं कि अच्छा तो इसलिए तू चाहता है कि मैं फिर से तुम्हारी माँ बनूँ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूँ और फिर तुम कुर्बान हो जाओ बिस्मिल आश्चर्य से माँ यह क्या यह तुझे अचानक क्या हो गया उन्हें लगता है कि मेरी माँ तो भी बहुत प्रसन्न थी अब उन उन्हें क्या हो गया तो वो कहते हैं कि माँ अब तुम्हें अचानक क्या हो गया माँ जबरदस्ती हंसते हुए ज़बरदस्ती वो हंसती हैं उनको दुखते हो दुख तो होता ही है अपनी बेटे की कुर्बानी पर लेकिन वह जबरदस्ती हंसते हुए दिखावा करती हैं कहती हैं कुछ नहीं बेटा कुछ तो नहीं हुआ बिस्मिल तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों झलक आए माँ वो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं वो कहती हैं कहते हैं कि माँ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए माँ उन्हें झलकने दे बेटा उनकी चिंता तू क्यों, क्यों करता है बिस्मिल नहीं माँ विदा की वेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अब तुम मुझसे विदा ले रही हो अब तुम जा रही हो और ऐसे अवसर पर अब तुम जाने वाली हो ऐसे तुम आंसू दिखाओगी तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे माँ आश्चर्य और दुख से उनको आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है बिस्मिल यह क्या कहता है जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते जब वो कहते हैं कि माँ तुम्हारे आंसुओं से मेरे कदम डगमगा रहे हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि जन्मभूमि पर न्यौछावर करने वाले अपने प्राण मेरे बहादुर ऐसी बातें नहीं करते हैं जो लोग बहादुर होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हैं संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती है उनकी माँ कहती हैं कि जो लोग बहादुर होते हैं उनके लिए कोई भी शक्ति उनके कदमों को डगबगा नहीं सकती है वो हमेशा अटल ही रहते हैं बिस्मिल मैं भी अब तक अडिग हूँ माँ लेकिन तुम्हारी आँखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता तुम दुखी रहोगी माँ तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी वो कहते हैं कि मैं अडिग हूँ अटल हूँ लेकिन जो तुम्हारे आंसू आ रहे हैं वो उस दर्द को मैं नहीं सह सकता इसलिए माँ तुम जब तुम दुखी रहोगी तो मैं भी दुखी रहूँगा मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी माँ मेरा दुख तेरी तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख या तू क्या कह रहा है इसमें फिर माँ कहती हूँ कहती हैं कि मेरा दुख तेरी कुर्बानी पर जो तू कुर्बान हो रहा है जन्मभूमि के लिए देश के लिए मुझे उस कुर्बानी पर मुझे दुख होगा या तो क्या कह रहा है बिस्मिल मैं नहीं कह रहा माँ तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है उनकी माँ के बहते आंसू ये कह रहे हैं ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं माँ हंसकर कहती हैं अरे पगले ये आंसू तो खुशी के हैं फिर उनकी माँ कहती हैं कि नहीं बेटे ये आंसू जो मेरे आंखों में आ रहे हैं वो खुशी के आंसू हैं बिस्मिल खुशी के आंसू माँ हाँ बेटा पाल पोसकर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब खुशी है और वो कहती हैं कि जिस पुत्र को मैंने पास पाल पुस बड़ा किया और वो पुत्र आज देश के लिए कुर्बान हो रहा है ये तो मेरे लिए वो जो खुशी है होती है वो अलग ही खुशी है और आज उसी खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे मिल रहा है और वो कहती हैं कि मुझे ये जो गौरव मिल रहा है अपने देश के लिए जो तुम कुर्बान हो रहे हो रहे हो वो गौरव मुझे अलग है उसी खुशी पर मेरे आंसू आ रहे हैं बिस्मिल माँ मैंने समझा था कि वो फिर कहते हैं कि मैंने कुछ और ही समझा था माँ अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को जेलर साहब क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ फिर वह जेलर से कहते हैं कि चूँकि वो एक दिन पहले आई रहती हैं अपने बेटे राम प्रसाद बिजनेस से मिलने इसलिए वो कहती हैं जेलर से कि क्या जब फांसी होगी क्या उस समय पर मैं अपने बेटे के लिए मिलने के लिए रह सकती हूँ जेलर जी नहीं हुक्म होने के कारण मैं मजबूर हूँ क्योंकि जेलर को भी यह हुक्म रहता है कि उनसे फांसी के दिन नहीं मिलना है किसी को इसलिए वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ मेरा या मे मतलब मेरे पर यह हुक्म आदेश है बिस्मिल जरू जरूरत भी क्या है माँ फिर बिस्मिल कहते हैं कि माँ ऐसी क्या ज़रूरत है तुम क्यों रहोगी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में पर, पर रूप में रहे क्या फ़र्क पड़ता है वह कहते हैं कि माँ तुमने मुझे अब भारत माँ की गोद में डाल दिया है मेरी भारत माँ की गोद में डाल दिया है अब मैं कैसे भी रहूँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है क्या अंतर दिखता है तुम्हें माँ तू तो ठीक कहता है मेरे लाल फिर उनकी माँ भी सहमत हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हाँ मेरे लाल तू तो सही कह रहा है अच्छा मेरे बच्चे अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना है करना कोई चूक ना होने पाए माँ बिस्मिल के सिर पर हार फेरती हैं और बिस्मिल माँ के पैर छूते हैं फिर वह उनके सिर पर आशीर्वाद देती हैं हाथ रखकर और बिस्मिल भी अपनी माँ के पैर छूते हैं फिर माँ समझाती हैं कि अपने मातृभूमि के लिए अपनी भारत माँ का सेवा भली भांति अच्छी प्रकार से करना चलिए जेलर साहब वह कहती हैं उनकी माँ कहती हैं जेलर साहब से कि जेलर साहब अब चलिए बिस्मिल की माँ जेलर के साथ प्रस्थान करती हैं और जेल से वह बिस्मिल की माँ जेलर के साथ निकल आती हैं बिस्मिल उस तरफ देखते हैं देखते रहते हैं और जब उनकी माँ और जेलर जाते हैं उसी तरफ एक एकाएक बिस्मिल देखते रहते हैं पर्दा धीरे धीरे गिरता है और पर्दा गिरता है इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है धन्यवाद